Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 2 p.m. in the afternoon, and I'm creating a session for you guys regarding the update that is being published right here in the home section where they release the notification regarding the Poland process. So right now they mention this thing that agar yahan par koi inka website agar dekha jaye to home section ke andar in logon ne pura apna information ek release kara. Agar aap dekho notification ki right now अभी जो नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग है, जैसे आज शायद इन लोगों ने अपॉइंटमेंट रिलीज नहीं करे. पीक टाइम आज था, अगर आपको बताऊं तो वेंसडे को लोग कहते हैं कि स्लॉट्स आपके रिलीज होते हैं, बट आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल इशू द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ द वेबसाइट इज नॉट वर्किंग फाइन. द कैप्चा इशू इज द जो कैप्चा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें और लॉग इन नहीं हो पा रहा, तो तभी इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. सो दे मेंशन दिस थिंग, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद would allocate appointment for the month of March 2024 on 31st January 2024 at 3 p.m. Customer are requested to schedule appointment in accordance. Please note, due to several hits on the website on the appointment allocation day, the website may face slowness and intermittent issue. So, इन लोगों ने पूरा mention करके बता रखा site के बारे में. जैसा मैं आपको हर time कहता हूँ कि जैसे अगर इन लोगों ने peak time अपना Wednesday कहते हैं और अभी साइट प्रॉपर वर्क नहीं करी, दैट्स वाई इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है कि अभी आने जो मार्च के अपॉइंटमेंट अभी रिलीज होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है. साउथ जोन के लिए पर्टिकुलरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि अगर आप साउथ जोन से तो फिर आप 31 जनवरी जो अपकमिंग वेंसडे है, अगले जो वेंसडे आने वाला है उस दिन ये लोग स्लॉट्स रिलीज करेंगे. इन लोगों ने बोला है जो पीक टाइम रहता है इनका 3 बजे का टाइम इन लोगों ने मेंशन करा है, बट अगर एसओपी देखी जाए तो एसओपी में ये लोग कहते हैं कि 11 से 2 बजे तक ये लोग स्लॉट रिलीज़ करते हैं, बट यहाँ इन लोगों ने बोला है कि 3 बजे तक का 3 बजे ये लोग अपने स्लॉट्स रिलीज़ करेंगे. और आप लोग भी पूरा चेक करते रहो, अगर साइट परफेक्टली चलती है तो फिर आप उस दिन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. एंड दे मेंशन अबाउट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन मुंबई, साउथ जोन. साउथ जोन के सारे जो भी सेंटर्स हैं दे मेंशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सेंटर्स. एंड राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट टुडे, आज स्लॉट्स वगैरह इनके रिलीज़ नहीं हुए, जो पीक टाइम था आई थिंक दैट इज़ गॉन. और अगर आपका लॉगिन हो पा रहा है तो आप चेक करो 3 बजे का. और इन लोगों ने आने वाले जो अपकमिंग वेंसडे है उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी रिलीज़ करा है, उस दिन ज़्यादा लोग लॉगिन होंगे और प्रॉब्लम भी हो सकता है. इन लोगों ने बता रखा है जैसे हर टाइम होता है अगर वेबसाइट में ज़्यादा लोग लॉगिन होते हैं तो फिर वेबसाइट इनकी स्लो चलने लगती है. वेबसाइट का आपको बताइए, तो इन लोगों ने पहले ही एक नोट पूरा मेंशन बता रखा है कि जो इनकी वेबसाइट है जिस दिन अपॉइंटमेंट रिलीज होते हैं बहुत सारे लोग लॉगिन करते हैं, एजेंट भी करते हैं, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम इसमें फेस ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लॉगिन करते हैं तो फिर ओटीपी इशू आ जाएगा, आपका साइट क्रैश होती है और फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं. जैसे आज हो रहा कैप्चा प्रॉब्लम आ गया, 3 प्रॉब्लम मेजर है जो होते हैं और ये भी हो सकते हैं. तो इन लोगों ने बोला है कि आप पहले केयरफुल रहें और टाइमली अपना लॉगिन करें और जो भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है इस सब चीज़ों से बचें और उस दिन आप लॉगिन कर सकते हैं. और आज का तो खैर मेरे को लगता नहीं है स्लॉट्स ये लोग रिलीज़ करेंगे आज, बट स्टिल अगर किसी का लॉगिन हो पा रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन चेक द अपॉइंटमेंट टिल 3 or 4 p.m. और अभी मैं दोबारा एक बार लॉगिन करके शो कर देता हूँ, बट राइट नाउ आई थिंक दैट इज गेटिंग अपॉइंटमेंट टुडे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रिलीज द नोटिफिकेशन. अगर आज इनके स्लॉट्स वगैरह रिलीज होते तो फिर ऐसा नोटिफिकेशन अभी आता नहीं. और एक और अपडेट है इनका, अपडेट ये है कि आई थिंक अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बोला है कि फैब के इनके अपॉइंटमेंट ऑलरेडी पूरे फुल हैं. इफ आई टॉक अबाउट द साउथ जोन एंड अपार्ट फ्रॉम साउथ जोन, अगर नॉर्थ जोन का भी देखें तो अगर देखें इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है फरवरी के पूरे अपॉइंटमेंट, फरवरी के इनके सारे अपॉइंटमेंट फिल्ड हैं मतलब. और इसके अलावा अगर मार्च का देखा जाए तो इन लोगों ने बोला जो अब अपॉइंटमेंट रिलीज़ करेंगे 31 जनवरी को वो मार्च मंथ के हैं. और अगर देखा जाए तो थोड़ा कुछ ना कुछ ग्लिच है ही भाई इसमें. अगर स्लॉट्स देखा जाए तो जनवरी वाले मंथ में फैब वाले मंथ के स्लॉट्स ओपन नहीं हुए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर, अगर महीने की बात देखा जाए तो दिसंबर में भी इन लोगों ने कोई स्लॉट्स रिलीज़ नहीं करे. और 23 तारीख को इनका पूरा प्रोसेस लाइनअप हुआ था और उसके बाद देखा जाए 23 को इन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया था और उसके बाद अभी तक इन लोगों ने स्लॉट्स ओपन नहीं करे. बट द थिंग इज दे आर ऑलरेडी सेइंग फैब मंथ के इनके पूरे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, तो फिर आई डोंट नो हाउ दे बुक द अपॉइंटमेंट. और देखो अब क्या होता है, अगर कुछ ना कुछ तो ग्लिच है इसमें. अगर यहाँ पे इन लोगों ने अपने स्लॉट्स इतना रिलीज़ नहीं करे तो पूरे फरवरी मंथ के बुक कैसे हो गए. So I think you also know how the process works and apart from that, अगर आज आप चेक करो, अगर नहीं होता तो फिर next Wednesday को देखो आप. और there is only one day, that is Wednesday. जो लोग भी अगर embassy का देखा जाए या BFS का देखा जाए, they say is that there is only one day, that is Wednesday when they release the slots.
बट राइट नाउ दे आर नॉट वर्किंग एज पर द एसओपी. एसओपी देखा जाए तो लोग कहते हैं 11 से आपके 2 बजे के बीच में स्लॉट्स ओपन करते हैं, बट यहाँ इन लोगों ने मेंशन करा है 3 बजे आपके स्लॉट्स ओपन होंगे. और देखो अब क्या होता है, अगर उस दिन मिल गया तो सही है, और सब लोग अगर सब लोग लॉग इन कर पाए तो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आज का जैसा हुआ तो फिर आई डोंट थिंक दिस नोटिफिकेशन इज गोइंग टू हेल्प एनी इंडिविजुअल. अगर स्टडी का भी देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक द स्लॉट्स, बट दे हैव नॉट रिलीज्ड एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कैटेगराइजेशन. तो हो सकता है कि स्टडी का भी उस दिन ओपन हो जाए. और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वॉक का देखें, वॉक का तो मेरे को लगता है इन लोगों ने पूरा मैंशन करा होगा, क्योंकि जो वॉक परमिट वाला है उसके लिए लोग कहते हैं वेंसडे को ये लोग ऑपरेशनल रहते हैं. सो दिस इज द नोटिफिकेशन, अभी कन्फ्यूज मत हो आप. और आज का देखा जाए तो मेरे को लगता नहीं स्लॉट्स रिलीज हुए उनके, और सारे कैंडिडेट जितने भी हैं एवरी सिंगल पर्सन इज फेसिंग द प्रॉब्लम. और अभी लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ वट इज़ द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द साइट इज वर्किंग वेरी स्लो, सो माई इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी गुड. इफ आई टॉक अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन, द स्पीड इज ऑल्सो गुड, बट राइट नाउ द साइट इज स्टिल लोडिंग एंड इट इज टेकिंग टाइम. सो राइट नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ. द साइट कांट बी रीच्ड, वीजा VFS ग्लोबल सर्वर IP एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड. आई थिंक द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन इज फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. और किसी का तो खैर ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद फिर लॉग इन नहीं हो पा रहा, एंड आई थिंक फ्यू पीपल आर फेसिंग द IP एड्रेस प्रॉब्लम. दैट्स वाई दे रिलीज द नोटिफिकेशन. और देखो अब क्या होता है, नाउ द साइट इज वर्किंग फाइन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल चेक द नाउ द वेबसाइट इज वर्किंग प्रीटी फाइन. अगर देखा जाए तो एक बार दोबारा आपको चेक करके बता देता हूँ, अभी 2:01 हो गए, तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है नाउ द साइट इज वर्किंग फाइन, बिकॉज आई थिंक द पीक टाइम इज ओवर नाउ, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग. जस्ट डू वन थिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्लॉट्स वंस अगैन. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस राइट नाउ, द थिंग इज देखो क्या होता है, नेशनल वीज़ा के अंदर स्लॉट्स ओपन हो रखे हैं या नहीं हो रखे हैं एक बार बता देता हूँ. और आप लोग भी लॉग इन कर लो राइट नाउ. द प्रॉब्लम इज साइट इज वर्किंग फाइन बट द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, एंड द अदर कैटेगरी दैट इज मेनली सर्च्ड बाय ऑल द कैंडिडेट इज नेशनल स्टडी. नेशनल स्टडी के अंदर भी आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं हो रखे, और एम्प्लॉयमेंट अभी शो नहीं कर रहा. तो अब देखो क्या होता है, so they have mentioned the information right now, the site is working fine but the slots are not available. So I think agar aaj ka baat karu to fir if I'll talk about today, slots are not released in both the jurisdiction, if I'll talk about north as well as south. So that is the update for today. Aur aaj in logon ne slots open nahi kare, ab dekho in logon ne notification to release kar diya 31st ka. Agar login kar paaye, agar slots aapko milte hain to I think fir dekho kya hota hai. Aur I wish you all the best आने वाले टाइम के लिए. अब देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट वेंसडे का एक हफ्ते आपको वेट करना पड़ेगा. और अब मेरे को लगता नहीं कि कल परसों अगर स्लॉट्स आप देखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा. आई थिंक कल जैसा इनका इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट आता है इनका ये लोग पब्लिश कर देते हैं. तो 31st को आप देखो, 31st वाले को स्लॉट्स रिलीज होने वाले हैं. अगर मिल गया तो सही है, इतने लोग बहुत वेट कर रहे हैं. अगर उस टाइम पर लॉग इन हो पाया, एजेंट वगैरह सब लोग लॉग इन होंगे उसमें, और आप लोगों को भी उनके साथ कम्पीट करना है. अगर मिल जाता है स्लॉट तो सही है साउथ वालों को, बिकॉज साउथ एज वेल एज क्या पता नॉर्थ के भी वो लोग ओपन करते हैं, बट दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट द साउथ ज्यूरिडिक्शन. सो द पीपल हु आर अप्लाइंग फ्रॉम द नॉर्थ, दे कैन ऑल्सो चेक ऑन द 31st ऑफ दिस मंथ. और अगर स्टडी और दूसरा जो आपका वर्क वीज़ा है, दोनों के लिए अपने स्लॉट्स आप नेक्स्ट वीक अब चेक करना. और टिल देन आई थिंक स्लॉट्स वगैरह ये लोग रिलीज नहीं करेंगे, और पीक टाइम जैसे मैंने आपको बताया वेंसडे होता है. तो दैट्स द अपडेट फॉर नाउ. आज इन लोगों ने स्लॉट्स ओपन नहीं करे, आई डोंट थिंक अब वेट करने का कुछ फ़ायदा होगा. और अभी देखो आप 3-4 बजे तक का क्या पता नॉर्थ वालों के लिए कुछ स्लॉट्स वगैरह ये लोग रिलीज़ कर दें. सो देर कैन बी ए पॉसिबिलिटी, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके स्लॉट्स रिलीज होंगे. और जो अपडेट आया था मैंने उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है. अभी आप लॉग इन कर सकते हैं, एंड कैंडिडेट वर फेसिंग द प्रॉब्लम दे कैन डू वन थिंग, दे कैन Use a new email ID. अगर आप न्यू ई मेल आई डी यूज़ करते हैं तो उससे आपका लॉगिन हो जाएगा. प्रॉब्लम लॉगिन करने में भी इशू नहीं आ रहा. और अभी थोड़ा टाइम पहले किसी का कैप्चा इशू आ रहा था, आई थिंक आपका IP एड्रेस ब्लॉक हो गया होगा, दैट्स वाई यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम. और अगर आपका ऐसा इशू आता तो दूसरा सिस्टम आप भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द न्यू ई मेल आई डी एंड पासवर्ड, वही मैंने अभी किया तो फिर मेरा लॉगिन हो गया. आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू.
अगर आप भी करना चाहते हैं आपका लॉगिन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग लॉगिन होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ आईडीज़ हैं आईपी एड्रेस के, आईपी एड्रेस से लोग ब्लॉक कर देते हैं उसे, फिर उसमें लॉगिन नहीं हो पाता। अगर पहले एक्टिव सेशन आपका रहा होगा तो फिर लॉगिन इशू आएगा, और अगर ओटीपी नहीं आ रहा तो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चेकबॉक्स, अगर कैप्चा का इशू आ रहा तो वो नहीं आएगा आपका। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी यू कैन आस्क मी राइट नाउ ऑन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।